राहुल गांधी ना कांग्रेस अध्यक्ष बन्या बाद प्रथम अधिवेशन दिल्ली में योजायो छे जे आगामी 18 मार्च सुधी चालशे जेमां गुजरात ना 500 थी पण वधारे पदाधिकारीओ हाजर रहेशे। आजे गुजरात कांग्रेस ना पदाधिकारीओ अधिवेशन में भाग लेवाना छे जेमां राहुल गांधी लोकसभा की चूंटणी की तैयारी अंगे खास मार्गदर्शन आपवाना छे। साथे देश की गरीबी बेरोजगारी अने शिक्षण की स्थिति ने सुधारवा अंगे पण मार्गदर्शन आपशे। साथे पक्ष ने मजबूत बनावा अंगे कार्यकर्ताओं ने पण काम सौंपाशे। आ बैठक में पक्षपलटो करता कार्यकरो मुद्दे पण चर्चा करवामां आवशे। तो गुजरात 500 जेटला पण वधु अधिकारी आज हाजर आपवाना छे। पदाधिकारी कांग्रेस ना गुजरात कांग्रेस ना पदाधिकारी आ अधिवेशन में भाग लेशे। महत्वनुं छे के जारे गुजरात विधानसभा की चूंटणी हमणां पूर्ण थई छे अने 2019 में जारे लोकसभा चूंटणी आवी रही छे त्यारे कांग्रेस ना तमाम कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारी केवा प्रकारनुं काम करवुं, आगामी समय में कांग्रेस पार्टी ने केवी रीते मजबूत बनावी तेने लईने रणनीति घड़वामां आवशे ना तमाम एजेंडाओ साथे आ अधिवेशननुं खास आयोजन करवामां आव्युं छे। आजे तेनो बीजो दिवस छे। समग्र देश माथी अलग अलग राज्यना तमाम कांग्रेस पदाधिकारीओ हाजर रहे छे त्यारे आजे गुजरातना 500 थी पण वधारे पदाधिकारीओ आ अधिवेशनमां हाजरी आपवाना छे। महत्वनुं छे के राहुल गांधी ना संबोधन पर सौनी नजर छे। पक्ष ने मजबूत करवा कार्यकरों ने कामगीरी सौंपवामां आवशे। सोनिया गांधी पण आ अधिवेशन में संबोधन करवाना छे। तो आ साथे मनमोहन सिंह पण अर्थशास्त्र ने लईने देशनी अर्थव्यवस्था ने लईने तेओ संबोधन करवाना छे। हितेन विजलाणी अमारी साथे जोड़ाया छे फोन लाइन पर। हितेन, क्या क्या एजेंडा पर आ 3 दिवसीय अधिवेशननुं आयोजन करवामां आव्युं छे? बिल्कुल, अगर बात करी तो हवे बे दिवस ना जे आ अधिवेशन नी अगर तो 4 ठरावो आमा पास थवाना छे। जेमा देश नी आर्थिक नीति मा केवी रीते सुधार लावो, राष्ट्रीय सुरक्षा, अत्यारे हाल मौजूदा सरकार मा राष्ट्रीय सुरक्षा ना कई कई मुद्दा, कया कया मुद्दा लोगों नी सामे उभर्या छे, खेडूतो ना प्रश्नो छे, युवाओ ने रोजगार छे, आ तमाम मुद्दे जे छे ते क्यांक ने क्यांक ठराव जे छे ते पास थवाना छे। पॉलिटिकल एजेंडा आजे पास थवानो छे। बीजी तरफ आजे खेडूतोनी आवक ने लईने पण एक रिजोल्यूशन जे छे ते पास थवानुं छे। अने बपोर बाद सोनिया गांधी चेरपर्सन, कांग्रेसना चेरपर्सन सोनिया गांधी बपोर बाद संबोधित करवाना छे पॉलिटिकल एजेंडा उपर। पॉलिटिकल एजेंडा आवनारा दिवसोमां केवो रहेशे, कया पॉलिटिकल एजेंडा पर 2019 सुधी आ कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी चालसे अने केवी रीते चालसे, शू अलायंस करवानी जरूर भी छे, तो कोनी साथे अलायंस थशे, केवी रीते थशे, आ तमाम मुद्दे मार्गदर्शन देशभरथी आवेला 15,000 थी वधु कार्यकर्ताओने आपवामां आवशे। थोड़ी ज वारमां अधिवेशननी शरूआत थशे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीनी स्पीचथी शरूआत थवानी छे, त्यારબાદ 2 ઠરાવો પાસ કરવામાં આવશે અને બપોર બાદ સોનિયા ગાંધીનું માર્ગદર્શન કાર્યકરોને મળશે। બીજી તરફ વાત કરીશું તો આર્થિક નીતિ ઉપર દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસના કાર્યકરોને એક નવી દિશા અને માર્ગદર્શન આપવાના છે। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ માની રહી છે કે આ જે નવી દિશા અને માર્ગદર્શન જે મળી રહ્યું છે તે 2019ને લઈને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, પણ શું હકીકતમાં કોંગ્રેસ આ માર્ગદર્શનને જનતા સુધી ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર પહોંચાડી શકે છે કે નહીં, તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે કે 2019માં આનો કેટલો ફાયદો થાય છે। કારણ કે હાલ જે હિસાબે 7 વર્ષ પહેલા અધિવેશન થયું હતું તે દરમિયાન તમામ નેતાઓના ફોટો વગેરે જોવા મળતા હતા, પણ આ વખતે કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહ્યું છે। બેનર જોવા મળી રહ્યા છે પણ બેનર ઉપર કોઈના ફોટો નથી, માત્ર ને માત્ર પંજાનું નિશાન છે અને વક્ત બદલ રહ્યાનો નારો છે। એટલે એક નવી કોંગ્રેસ અને નવા નારા સાથે નવી દિશા સાથે આજે આગળ વધી રહી છે, તો આ નવી કોંગ્રેસ હવે લોકોના દિલમાં કેટલી ઉતરે છે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। બિલકુલ હિતેન, વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે કોંગ્રેસ આટલી મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહી છે, અલગ અલગ જગ્યાઓ પર ક્યાંક જીત પણ હાંસલ કરી રહી છે, પેટા ચૂંટણીઓ હોય કે પછી સીટો વધવાને લઈને કોઈ પણ હોય, તો લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને જે આ તમામ તૈયારીઓ છે, શું લાગી રહ્યું છે આગામી સમયમાં હજુ કેવા મજબૂત પગલાં કોંગ્રેસ ઉઠાવી શકે છે આ અધિવેશન બાદ? હિતેન,
હિતેન શું લાગી રહ્યું છે જે રીતે કોંગ્રેસ મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહી છે, જ્યારથી રાહુલ ગાંધી અધ્યક્ષ બન્યા છે ત્યારથી આ અધિવેશન બાદ 2019 થી લઈને હજુ એવા કયા મહત્વના મુદ્દા છે કે જે કોંગ્રેસ ઉઠાવી શકે છે, જ્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક દેશમાં તેની ઢીલી નીતિ સાબિત કરે છે? બિલકુલ, અગર જે હિસાબે કોંગ્રેસમાં એક કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં અને કોંગ્રેસમાં એક નવો જોશ ઉભો કરવાનો પ્રયાસ તો રાહુલ ગાંધી હોય કે સોનિયા ગાંધી હોય કે મનમોહનસિંહ, આ તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ કરે છે, પણ હકીકતની અગર જોશું તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે હિસાબે રાહુલની છવી ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ થોડી સુધરવાની શરૂ થઈ છે, અને દેશભરમાં જે હિસાબે કોંગ્રેસને પણ હજુ બાય ઇલેક્શન હોય કે ગમે તે ઇલેક્શન હોય વોટોમાં હજી તેવું પરિવર્તન જોવા નથી મળી રહ્યું, એટલે કોંગ્રેસે ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ઉતરવાની જરૂરત છે, અને જે છવી ખરાબ થઈ છે તે છવીને સુધારીને. તમામ જાણકારી બદલ આભાર. નયા અધ્યક્ષ છે, એક નવી રોશની કે લે હમ લોગ યહાં કામ કરને કે લે આયે હૈ. क्या आपको लगता है कि जो अभी जो मौजूदा जो दौर है वो राजनीति का है, मतलब अगर गठबंधन की राजनीति का, क्या माना जाए कि कांग्रेस गठबंधन की राजनीति को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है? देखिए, हमारे जो कुछ मूल्य के बेसिस में हम काम करते हैं, जो हमारे कन्विक्शन है, हमारे पॉलिसीज हैं, उसके जो सहमत है नेचुरली हम एक साथ जाना चाहिए. ये बड़ी जरूरी है कि इस देश की जो लोकतंत्र के खिलाफ जो काम चल रहा है सरकार से, इसको बिल्कुल बदलने की जरूरत है, और जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज होंगे मिनिमम. તો કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનો આજે બીજો દિવસ છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના 500 નેતાઓ આજે દિલ્હીમાં હાજરી આપવાના છે રાહુલ ગાંધીના સંબોધન પર. સૌ કોઈની નજર છે, જ્યારથી રાહુલ ગાંધી અધ્યક્ષ બન્યા છે ત્યારથી કોંગ્રેસને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે, અને અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આખરે કેટલી મજબૂતાઈ સાથે ભાજપને અને અન્ય પક્ષોને પડકાર આપવો તેને લઈને પણ રાહુલ ગાંધી ધીરે ધીરે તમામ કાર્યકર્તાઓને પણ ચેતવી રહ્યા છે. ત્યારે આ અધિવેશન મુખ્ય એજન્ડા છે 2019 લોકસભા ચૂંટણી, તેમાં પદાધિકારીઓ કાર્યકર્તાઓ કેવા પ્રકારનું કામ કરવું જોઈએ, આ સાથે અન્ય જે કાર્યકર્તાઓ જે તે પોતાના શહેરોમાં કે ગામડાઓમાં કેવી રીતે લોકો સુધી પહોંચે, કોંગ્રેસ પાર્ટી લોકોને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે અને કેટલી સારી રીતે કામ કરી શકે તેને લઈને આ અધિવેશનનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી પણ હાજર છે, પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહ પણ હાજર રહેવાના છે. અધિવેશન ક્યાં સંદેશ લેકર આયા હૈ? દેખીએ, જબ જબ ભી એસસીસી કા સેશન હમારા મિલતા હૈ, એક બડી મહેનત હોતી હૈ, એક્સપર્ટ કે સાથ બેઠ કે હમ જરા હમારે સાથી બેઠ કે નેતા બેઠ કે રેઝોલ્યુશન ડ્રાફ્ટ કરતે હૈ, ઉસકે ઉપર ચર્ચાએ હોતી હૈ, ઓર રાષ્ટ્ર હિત મે એક નઈ દિશા ઓર દ્રષ્ટિ अधिवेशन के बाद मिलते हैं. आज ये भी विचार मंथन है, यहाँ से जरूर आने वाले दिनों के लिए एक नई दिशा दृष्टि और ताकत कांग्रेस को मिली. शक्ति भाई, लेकिन ये देखा गया कि राहुल गांधी जब से कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई. अगर आप चुनाव में देखें तो पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव हारी है, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है? नहीं, पार्टी एक बड़े अच्छे दौर से गुजर रही है. आप देखिए, जितने भी बाई इलेक्शन हुए राहुल जी के नेतृत्व में गुजरात में, हम 1985 के बाद कभी इतनी सीटें नहीं ला पाए थे. 18 सीटें हमारी बहुत कम वोटों से गंवाई हमने, वरना वहाँ हम पावर में होते. नॉर्थ ईस्ट में आप हारे, त्रिपुरा में हारे, बाकी दूसरे राज्यों में हारे? ज़रूर, कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे रीजन थे, पर जहाँ 3-4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती हुई सीट थी भाजपा की, 4 साल के बाद वहाँ उपचुनाव हुए, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस वहाँ पर जीत के आई है. उत्तर प्रदेश में भी आप देख लो, बीजेपी की करारी हार हुई है. भले हमने वहाँ पे कोई अच्छा प्रदर्शन किया है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, परंतु जो सेक्युलर वोट्स है उसका एक आवाज़ निकली है, और जो फासिस्ट बातों में या जुमलों में आ गए थे वो लोग भी समझने लगे हैं कि ये बीजेपी के रास्ते चलने से ना देश का हित है ना आवाम का हित है. और इसीलिए गोरखपुर जैसी सीट, बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट भी भाजपा गंवा चुकी है. तो शक्ति सिंह गोहिल दुहाई दे रहे हैं कि गोरखपुर फूलपुर में हारी है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ अपने कैंडिडेट लड़ाए थे. हालांकि ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है वो कांग्रेस की राजनीति की नई दशा और दिशा तय करेगा. शादाब सिद्दीकी, जी मीडिया, दिल्ली.
तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीए जे रीते अधिवेशन नुं खास आयोजन कर्युं छे ने आ अधिवेशन मां अलग अलग राज्यना तमाम कांग्रेस पदाधिकारीओ हाजर छे। गुजरातना शक्तिसिंह गोहिले जे रीते प्रतिक्रिया आपी हती, तमाम राज्योमां कांग्रेस केवी रीते उभरीने आगळ आवी छे। एक समय हतो कि ज्यारे सोनिया गांधी अध्यक्ष हता ते समये एटला प्रमाणमां जीत नहोती मळी शकती, ने राहुल गांधीना नेतृत्वमां हवे कांग्रेस वधारे मजबूतीथी आगळ वधी रही छे, एटले एक सारो समय कही शकाय। विचार को ध्यान में लेना चाहिए, हमारा जो इतिहास है उसको ध्यान में रखना चाहिए, हमारा भूगोल है उसको ध्यान में रखना चाहिए, दुनिया कहाँ जा रही है उसको देखना चाहिए और उस दृष्टि से तैयारी करना चाहिए और उसके लिए इस प्रकार के अधिवेशन होते हैं और करना चाहिए। पाटिल साहब, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिल पाई, पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव हारी, राहुल गांधी पार्टी को जिता नहीं पा रहे हैं चुनाव? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके ऊपर टिकाए तो होती नहीं है, एक भी प्रधानमंत्री छुटा नहीं है जिसके ऊपर टिका नहीं हुई है। अब ये राजकारण का एक हिस्सा है और पार्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो 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 संधि, जो चांस राहुल गांधी को मिला है इंदिरा जी के साथ रहकर, राहुल गांधी के साथ रहकर उस खानदान में रहकर जहां पर पंडित जी ने बनाया है और बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर मिलकर, ऐसा चांस कितने लोगों को मिला है ऐसा लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब गठबंधन की राजनीति एक सहारा है कांग्रेस के लिए, अगर चुनाव जीतना है तो गठबंधन करना होगा? गठबंधन की राजनीति यह है कि अपने विचारों के सारे लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की। गठबंधन का मतलब क्या है? सिर्फ वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं है, आपके और मेरे विचार एक है, क्यों हम एक दूसरों के साथ हाथ नहीं मिलाएं? मजबूरी मानते हैं कि अब कांग्रेस की मजबूरी हो गई। राहुल गांधी ना कांग्रेस अध्यक्ष बन्या बाद प्रथम अधिवेशन दिल्ली में योजायो छे, जे आगामी 18 मार्च सुधी चालवानुं छे, जेमां गुजरातना 500 थी पण वधारे पदाधिकारीओ हाजर रहेवाना छे। गुजरात कांग्रेसना पदाधिकारीओ पण आ अधिवेशनमां भाग लेवा माटे आव्या छे।